नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी इस दिन को धूमधाम से मनाती आ रही है। मोदी सरकार ने आज के दिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने का सिलसिला शुरू किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अटल भूजल योजना की भी शुरुआत की। दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री ने अटल भूजल योजना की शुरुआत की, साथ ही अटल टनल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पानी बचाने के लिए मंत्र दिया और लोगों को संकल्प भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 70 साल में सिर्फ 3 करोड़ घरों में ही पीने का पानी पहुंचा है, लेकिन हमें अगले 5 साल में तेज रफ्तार से काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री ने पानी को लेकर बड़ी योजना चलाई थी, सपने देखे थे, लेकिन जब अटल जी की सरकार चली गई तो पानी की योजना उसी सरकार के साथ बह गई। पिछले कुछ सालों में इस पर काम किया गया है। जब से मोदी सरकार आई है, अटल भूजल योजना के तहत 2024 तक हर घर में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा, ये सपना है। सुशासन दिवस की तस्वीर हरियाणा में भी दिखाई दी नजर आई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा कर दी है कि अगले वर्ष यानी कि 2020 को सुशासन दिवस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान लोगों से शासन के क्षेत्र के बारे में सुझाव और सुधार मांगे जाएंगे। मनोहर सरकार एक वेबसाइट भी तैयार करेगी, इस पर लोग अपने सुझाव अपलोड करेंगे और उन्हीं सुझावों के आधार पर राज्य सरकार काम को और बेहतर करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज लोकायुक्त पोर्टल को भी लॉन्च किया। सीएम ने कहा कि जनता को सुशासन का संदेश देना सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है। सीएम ने अधिकारियों को स्मार्ट नारे के जरिए काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनता के लिए ई दिशा और सरल केंद्र शुरू किए गए हैं। सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिश करने की बात करती है। आज भी मुख्यमंत्री ने इसी पर फोकस किया। सरकार का मानना है कि ई गवर्नेंस के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना बहुत आसान है, इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। ई शासन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कम समय में काम हो जाता है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी बहुत कम रहती है। सरकार का पहला लक्ष्य यही है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर सब्सिडी को सीधे बैंक खाते में भेजा जा रहा तो भ्रष्टाचार मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज ये भी माना कि भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारी तरीके नए नए ढूंढने में माहिर होते हैं, जिससे निपटने की जरूरत है, नजर रखने की जरूरत है। आज बात इसी मुद्दे पर होगी कि कैसे ई गवर्नेंस सुशासन में कितना मददगार है, क्योंकि मनोहर सरकार ने सुशासन दिवस पर ई गवर्नेंस की बात पर ही जोर दिया है। अब सरकार में अगर पारदर्शिता हो तो फायदा सीधे जनता तक पहुंचता है, ऐसी उम्मीद होती है। सिर्फ राज्य की मनोहर सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार भी शुरुआत से ही ई गवर्नेंस पर सबसे ज्यादा फोकस करती दिखाई दी। इसके तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। वैसे भी सरकारी काम अगर घर बैठे होने लगे तो फिर जनता को फायदा होता है, समय भी बचता है। बिजली और पानी का बिल भरने से लेकर इनकम टैक्स भरना हो, ई गवर्नेंस का योगदान है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई गवर्नेंस को लेकर क्या कहा, सबसे पहले जरा वो सुनते चलते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, घर बैठता है, कभी कभी तो गलती बोना फाइड हो जाती है, पता नहीं लगता गलती हो, अंजाम में हो जाती है, अज्ञानता में हो जाती है। लेकिन मेला फाइंड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर मेला फाइंड इंटेंशन से कोई करता है तो चाहे फिर वो अधिकारी है, कर्मचारी है, नेता है, जनता का कोई आदमी है, उसके खिलाफ कार्रवाई दंडात्मक होनी ही चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास उसमें से जाएगा। इसलिए ऐसे कामों के लिए भी हमको, और तीसरा मैंने बताया भ्रष्टाचार, जैसे पहले उन्होंने किया कि भ्रष्टाचार भी एक अपने आप में चैलेंज है, इसके भी नए नए तरीके लोग निकाल लेते हैं और ऐसे ऐसे तरीके निकालते हैं कि अगर कोई पीएचडी करने वाला व्यक्ति पीएचडी करने लग जाए तो पीएचडी कर सकता है कि हमने कानून ये बनाया था, उसने इसको तोड़ने के लिए कैसे उसने भ्रष्टाचार कर दिया। तो ये हर समय जिनके दिमाग दिमाग में ये है उनको भ्रष्टाचार से कैसे रोकना है, काटना है, तुरंत उतनी चुस्ती फुर्ती से हमको भी इसका कोई ना कोई इलाज ढूंढना चाहिए। और एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे कारगर जो उपाय हमें अब तक ध्यान में आया है कि जितना ह्यूमन इंटरफेस हम कम करेंगे, जितना ई गवर्नेंस पर आएंगे उतना भ्रष्टाचार कम होगा, डिस्क्रिशनरी पावर को छोड़ना होगा। अब ई गवर्नेंस 4 तरह से हो सकती है। पहली, सरकार की सरकार से बातचीत।
यानी कि जब सरकार का अलग अलग संस्थाओं के बीच संवाद हो। दूसरा, ई गवर्नेंस सरकार और जनता के बीच होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसी हिस्से का इस्तेमाल जनता के लिए होता है। सरकारी योजनाओं का फायदा लेना हो, सरकार तक सुझाव शिकायत समाधान पहुंचाना हो या फिर कोई अन्य काम हो, ई गवर्नेंस के जरिए जनता सीधे सरकार तक पहुंच जाती है। उदाहरण के तौर पर सीएम विंडो को गिन सकते हैं। ई गवर्नेंस का तीसरा हिस्सा सरकार और व्यवसाय से जुड़ा होता है। सरकार इसमें व्यापारियों से संपर्क बनाती है, जिसे मजबूत करने की कोशिश भी हरियाणा सरकार लगातार कर रही है। और चौथा हिस्सा सरकार और कर्मचारियों के बीच का है, मतलब जो कर्मचारी और अधिकारी सरकारी योजनाओं को जमीन तक ले जाते हैं, वो भी ई गवर्नेंस से जुड़कर काम को आसान बनाते हैं। ऐसे में आज का हमारा पहला सवाल है, और यही एकमात्र सवाल, कि ई गवर्नेंस सुशासन में कितना मददगार है, कैसे मददगार है और कब तक मददगार है, और कब तक वाकई ये पूरी प्रक्रिया पूरे तौर पर पूरी हो जाएगी, जिसको हम 100% कह सकते हैं, तब उसका फायदा सरकार को और सरकार का जो सपना है कि जनता को हो, तो वो जनता को फायदा मिलने लगे। कहा जाता है कि अगर नियत ठीक हो तो सवाल उठाने वालों को मौका नहीं मिलता। वो अलग बात है कि हमारे देश में सियासतदान तब भी मौका ढूंढ लेते हैं। हरियाणा सरकार के इतने बड़े बड़े दावों के बीच विपक्ष लगातार घोटाले को लेकर आवाज उठाता भी है, और इसमें कई बार सच्चाई दिखती भी है। बात चाहे कथित रूप से धान घोटाले की हो या फिर माइनिंग के भ्रष्टाचार की हो। अभय चौटाला ने आज ही रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत घोटाले की बात कही है, और ये भी आरोप लगाया कि सरकार दरअसल अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। अभय चौटाला आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की सरकार में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला भी हुआ। कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज हरियाणा के पास पंचकुला से खबर भी आई थी, जहां हरियाणा मंडी बोर्ड में अधिकारियों पर लाखों के घोटाले का आरोप लगा। ऐसे में सरकार की कोशिश कहां नजर आती है, आज की बड़ी बहस में बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल होगा, उससे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रवीण अत्रे, प्रवक्ता बीजेपी के चंडीगढ़ से, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। केवल ढिंगरा है कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है ढिंगरा साहब आपका। भाग सिंह दमदमा है हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है दमदमा साहब आपका। और राजेंद्र जादौन साहब भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार चंडीगढ़ से, बहुत स्वागत है जादौन साहब आपका। साइबर एक्सपर्ट आयुष अग्रवाल भी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो मौजूद है, बहुत स्वागत है आयुष आपका भी। सबसे पहले आयुष, में शुरुआत आपसे ही करता हूं, क्योंकि सियासतदानों के पास जाऊंगा तो फिर वहां पर खींचातानी शुरू हो जाएगी, उस प्रक्रिया पर जो कि सरलीकरण की प्रक्रिया है, लोगों के राहत की प्रक्रिया है। आज अटल जी की जयंती के अवसर पर अटल प्रश्न यही उठा है आयुष, कि ई गवर्नेंस की प्रक्रिया या ई व्यवस्था, साइबर से जोड़ना, डिजिटल करना, इसमें चीजें जो बेहतर करने का अटल संकल्प होता है, वो वाकई अटल है या उसमें भी कहीं से लूप होल है? देखिए अतुल जी, कहा जाता है कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो कहीं ना कहीं लूपहोल्स खोज ही लेते हैं भ्रष्टाचार करने का। लेकिन अगर सरकार इस पे सोचेगी कि भ्रष्टाचारी कहीं ना कहीं लूपहोल्स खोज लेंगे, तो जो आने वाली पीढ़ी और जो अभी पीढ़ी चल रही है, जो हर तरीके से कहीं ना कहीं ऑनलाइन है, हर चीज़ों को चाहती है कि घर बैठ करके हम अपनी बात सरकार से या अपने पदाधिकारियों से कर सकें, वो उससे सरकार पिछड़ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, ई गवर्नेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ट्रांसपेरेंसी, और उसमें किस तरीके से चीज़ें इंट्रैक्शन कर पाते हैं हम अपने पदाधिकारियों के साथ में। अगर ई गवर्नेंस आता है और घर में बैठ करके मैं अपनी बात अगर अपने सरकार अपने पदाधिकारी तक पहुंचा पाता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बात, कोई भी इंसान अपनी बात को पहुंचा पा रहा है, उसके लिए बात रख पा रहा है और सरकार उसको देख रही होगी। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं इसके बीच में कि 5 स्टेजेस बेसिक स्टेज होते हैं ई गवर्नेंस के, लाइक वेब प्रेजेंस, वेबसाइट होनी चाहिए, वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए ताकि डिटेल्स कोई भी इंसान जाकर के देख सके ऑनलाइन। साथ साथ उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें इंट्रैक्शन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और ट्रांजेक्शन, और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली ई डेमोक्रेसी। ई डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर इंसान अपनी बात रख सके। अगर लोकतंत्र की बात है तो लाइन में खड़े हुए पिछले लास्ट इंसान को भी अपनी बात रखने का उतना ही इम्पॉर्टेंस होना चाहिए, उतनी ही वो मजबूती के साथ अपनी बात रख सके जितनी मजबूती के साथ लाइन में खड़े हुए सबसे पहले इंसान अपनी बात रख पाएंगे। ठीक है, केवल ढिंगरा साहब, मोदी सरकार, मनोहर सरकार सुशासन के लिए ई गवर्नेंस पर फोकस कर रही है और आगे के लिए संकल्प ले रही है कि व्यवस्था और बढ़ाएंगे, क्या लगता है आपको, भरोसा है कि नहीं है? वैसे तो आपको नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, उसका आधार बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो पिछले 5 साल जो गुजरे
उसमें अगर ई गवर्नेंस की बात करें या सुशासन की बात करें, तो सुशासन जो है वो बीजेपी सरकार में किस तरह से रहा वो उसके ऊपर देख लेते हैं। जिस तरह से 154 वायदे इन्होंने अपनी सरकार में किए थे वो सारे पे तो मुकर गए थे, और जिसमें पंजाब के समान वेतन मान देने थे, जिस तरह से कर्मचारियों को पक्का करना था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी थी, जिस तरह से इन्होंने ट्रांसपेरेंसी लानी थी सारे चीज़ के अंदर, वो ट्रांसपेरेंसी कहीं दिखी नहीं, क्योंकि सीएम विंडो भी इनकी फेल हुई। फसलों के मामले में ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि हम C2 फार्मूला लॉन्च करेंगे और सभी किसानों को उनके खाते में पैसे डालेंगे, तो कहाँ डले? ये सब जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई वो सारी 5 साल में देखी गई। और जिस तरह से हरियाणा तो जलता रहा, 3 बार तो हरियाणा जल गया, ई गवर्नेंस कैसे होगी? 30 पेपर लीक हो गए इस सरकार के अंदर 5 साल के अंदर। और जिस तरह से बेरोजगारी जो है हरियाणा में नंबर 1 पे पहुंच गई, 28% उसकी जो है वो सिस्टम पहुंच गया, क्राइम में हरियाणा नंबर 1 हो गया। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गवर्नेंस तो दिखी नहीं, बल्कि उल्टा भ्रष्टाचार भी दिखा और सरकार का जो काम है वो भी कहीं नहीं दिखा। तो ये सबसे बड़ा मामला रहा। अब अगला इनका आया, अब नया घोषणा पत्र लेके आए हैं, JJP भी लेके आई है, BJP भी लेके आई है। अब ये अगले उसके अंदर जो बातें रखते हैं वो किस तरह से सरल बनाएंगे, पोर्टल में किस तरह से लाएंगे और किस तरह से लोगों को सुविधा देंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। चलिए, तो देखने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा ना ढिंगरा साहब। और 154 वायदों की आप बात कर रहे थे चुनावी दौर में, आप बार बार इस बात को कहते थे, लेकिन फिर भी जनता ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन सरकार तक नहीं पहुंचाया, तो सपना टूट गया। वैसे आज के घटनाक्रम के बाद गौतम साहब ने एक बार फिर से 2020 तक कम से कम परिस्थितियां बदल जाएंगी और समीकरण बदलने लगे हैं दीपेंद्र हुड्डा के हिसाब से, वो सपना आपका फिर से दिखाई देने लगा है। लेकिन भविष्य के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा कि सरकार का सपना कितना पूरा होगा और कितना कर पाएगी। अत्रे साहब जवाब दीजिए, क्योंकि जो प्रश्न है और आज भी आरोप चौटाला साहब की तरफ से लगे हैं, तमाम तरह के भ्रष्टाचार, और आप कहते हैं कि ई गवर्नेंस, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि तरीके लोग ढूंढ लेते हैं, हमें नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन लगता है कि हां, इस सरकार ने पिछले 5 साल में बेहतर गुंजाइश जितनी हो सकती थी उतना कदम उठा दिया और उसका परिणाम भी निकला। आरोप क्योंकि लोकतंत्र है, विपक्षी मित्र लगा सकते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि पूरी तरह से नकारात्मक आरोप। मैं एक एक का जवाब दूंगा। पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें कही अतुल, क्योंकि वो टॉपिक से इतर जाके उन्होंने जिक्र उन बातों का किया जो आज के टॉपिक का विषय नहीं था, लेकिन जवाब मैं देता हूँ। इन्होंने सबसे पहले जैसे बेरोजगारी का, मतलब कांग्रेसी मित्रों की एक बहुत बड़ी समस्या है। एक कंपनी है प्राइवेट, CMII, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक प्राइवेट संस्था है, महेश व्यास जिसके MD हैं, इन्होंने एक डाटा दे दिया जिसको कांग्रेसी मित्रों ने उठा लिया और चिल्ला चिल्ली शुरू कर दी पूरे देश के अंदर कि साहब देखिए बेरोजगारी बढ़ गई है। मैं हैरानी, देखिए एक तो थोड़ा सा बता दूं, CMI जो महेश व्यास है वो कौन है? आप भी जानते होंगे अब्दुल, पी चिदम्बरम साहब के सहयोगी रह चुके हैं कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो के, जब पी चिदम्बरम साहब हेड थे ये उनको असिस्ट करते थे, तो इनकी ऑथेंटिसिटी कितनी बनती है बेहतर समझ में आया होगा। लेकिन आज के ही एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र की रिपोर्ट है, मैं पत्र सामने दिखा रहा हूँ, इस अखबार को सामने दिखा रहा हूँ, जो बेरोजगारी पे कहता है कि देश के अंदर 2 साल में मिली 3.22 करोड़ नौकरियां, ये आज का समाचार पत्र है और राष्ट्रीय समाचार पत्र है। ये कहता है ESIC के अनुसार अक्टूबर में 22.40 लाख नौकरियों का सृजन हुआ, ये केवल अक्टूबर की बात कर रहा है, और ये साथ में ये कहता है कि सितंबर में यह संख्या 12.23 लाख रही थी। मतलब जो ये बेरोजगारी की चिल्ला को करते हैं विपक्षी, और एक प्राइवेट कंपनी के आंकड़ों के आधार पे जिसके MD इन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सच बोल रहे हैं या समाचार पत्र सच बोल रहा है जिसकी ये रिपोर्ट है, इसका विश्लेषण प्रदेश की जनता करेगी। अब बात यह दूसरी, कांग्रेस के मित्र का दूसरा जो है, इन्होंने फटाक से एक बात बोल दी कि साहब CM विंडो फेल हो गई बिना कोई डाटा देखे। CM विंडो पे 675,000 कंप्लेंट्स आई, जिनमें से 95% जो शिकायतें हैं उनका निवारण हुआ, ये डाटा है, और ये डाटा ये चाहे तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, चाहे तो ये CM ऑफिस का ट्विटर जो बाकायदा एक एक शिकायत के ऊपर जानकारी देता है उसको रूटीन में चेक कर सकते हैं, इनको सच्चाई पता लगेगी। तीसरी बात, इन्होंने छूटते ही बोला कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की, ये कहते थे C2 लागू करेंगे। पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं C2 का नाम नहीं लिया था।
दूसरा हमने कहा था कि किसान को उसकी लागत का 50% देंगे, और तथ्य ये है, मैं हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा में जब सरकार बनी हमारी, बाजरे का दाम था 1250, आज है 2000 रुपए, कितने प्रतिशत का इजाफा है, ये मित्र खुद विश्लेषण कर ले, मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि बहुत लंबा हो जाएगा। अब बात आती है ई गवर्नेंस की, जिसके ऊपर विपक्षी मित्र शायद या तो कुछ कहना नहीं चाहते थे या कहने के लिए कुछ लंबा चौड़ा था नहीं। देखिए आपको याद होगा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का वो वक्तव्य जिसमें वो कहते थे कि अगर ऊपर से 1 रुपया भेजिए तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। ये समस्या और ये व्यवस्था थी हमारे देश के अंदर। मोदी जी ने जिस वक्त सुशासन की बात कही नवंबर 2014 में, मोदी जी ने कहा था कि अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे, तो पहला प्रयास था भ्रष्टाचार पे अंकुश। नतीजा ये है, हरियाणा का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, डीबीटी के जरिए पिछले 5 साल में 1000 करोड़ रुपए की लीकेज रोकी सरकार ने। समझ सकते हैं राहुल, 1000 करोड़ रुपए की लीकेज, जिसके अंदर फर्जी बेनिफिशरीज, मतलब वो लोग जिनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए था कांग्रेस की सरकार के अंदर, वो फर्जी लोग पैसा खा रहे थे प्रदेश की जनता के खून पिसने की गाड़ी कमाई का, वो हमने रोका 1000 करोड़ रुपए का लीकेज जो आज प्रदेश की जनता के लिए काम आ रहा है। ठीक है, गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो ये वो सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे ही सुशासन दिवस मनाने की घोषणा हुई पहला काम किया तहसीलों के अंदर ई रजिस्ट्री, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार था, उसको रोकने के लिए कदम सबसे पहले उठाए गए। इस चीज को हमारे मित्र नहीं देख रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, अत्रे साहब मैं समझ गया कि आप कहते हैं कि जो ई गवर्नेंस है उससे सुशासन आएगा। अब ढींगरा साहब कह रहे थे कि स्वामीनाथन में सीटू का इन्होंने वादा किया था और तमाम बातें, तो स्वामीनाथन आयोग बनाने वाला कौन था और उसके बाद जाते जाते भी आप कुछ कर नहीं पाए थे, तो ढींगरा साहब की पार्टी का स्टैंड क्या था वो भी पता है। अब अत्रे साहब आप ये कह रहे हैं कि मुझे याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी ने क्या कहा था, तो इत्तेफाक से मुझे ये भी याद है कि जब आप इनेलो में होते थे और प्रवक्ता के तौर पर बैठते थे तब आप कहते थे कि नहीं बीजेपी ने सीटू कहा था, आज आप कहते हैं कि बीजेपी ने सीटू नहीं कहा था, तो इत्तेफाकन मुझे दोनों चीजें याद आ गई, लेकिन फिर भी सुशासन के तौर पर ई गवर्नेंस पर बेहतर काम हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, बदलाव आ जाते हैं। भाग सिंह दमदमा साहब, जेजेपी पार्टी जब से इस संरचना में आई है पार्टी के तौर पर और अब सरकार में भी शामिल है, मैं प्रवक्ताओं को बार बार ये कहते सुनता हूं, वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। लगता है कि हाँ, आज के संकल्प से अगले 5 साल में ई गवर्नेंस के जरिए सुशासन में आपकी भी बड़ी भूमिका होगी। जी देखिए अतुल जी, अभी आपने जिस विषय पर बात की, अगर विषय पर ही आए तो ई गवर्नेंस एक ऐसी सुविधा है प्रदेश के और इस देश के नागरिकों के लिए, अगर जिस प्रदेश में ई गवर्नेंस है उससे संबंधित नागरिकों के लिए, वो कई चरणों में काम करती है कि उससे होने वाले लाभ, देखिए योजना सरकार बनाती है वो कितनी सक्सेसफुल होती है वो बाद का विषय आ जाता है। अगर देखने के लिए आप कहें कि किसी समय में अतुल जी किसी काम के लिए हम लाइसेंस बनवाने के लिए जाते थे तो एसडीएम ऑफिस में लाइनें लगती थी, आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते थे तो कितनी लाइनों में खड़े होते थे, उसका लाभ कहाँ कहाँ आता है। ई गवर्नेंस तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने 4 चरणों का जिक्र किया था, एक 5वां चरण भी है जो C2C नागरिक से नागरिक तक था। आपका पहला कदम था सरकार से सरकार तक, विभागों का जो फाइलें धूल फांकती थी कभी आने के लिए इस टेबल से उस टेबल पे, वो सीधा मेल के जरिए जब भी उसी टाइम पहुंच जाती थी, जैसे किसानों के टाइम पे मेरा फसल मेरा ब्यौरा उसके अंदर किस प्रकार से कितनी दिक्कतें आती थी, अब वो एकदम पोर्टल के ऊपर आ रहा है। उसके अलावा चाहे खाद्य आपूर्ति विभाग से कृषि विभाग को कोई सूचना जाती थी या विभागों का वित्त मंत्रालय तक आदान प्रदान होता था, उसके सरकार से जनता तक बहुत से ऐसे कार्य थे जो सरकार से जनता तक आने के लिए बड़ा टाइम लगता था, उसके अंदर भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती थी, लेकिन अब आप देख लीजिए कि चाहे आपने पासपोर्ट बनवाना है आपको कि मीडियोकर की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन उसको करिए क्योंकि ये बहुत से देशों में सक्सेसफुल रहा है। आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन करते हैं, वहां जाके आप इंटरव्यू होता है, और नहीं सुनिए एक एग्जाम्पल है ढींगरा साहब, ढींगरा साहब उदाहरण तो पहले की सेट होंगे लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहा है, मेरा फसल मेरा ब्यौरा भी कांग्रेस की देन है। अरे फिर आगे बीच में ढींगरा साहब पहले था, पहले अच्छा था, वहीं तो बता रहा है दमदमा साहब। मैं उसको अच्छा था ढींगरा साहब, मैंने बुरा कहा ही नहीं उसको,
मैं ये भी कहता हूँ कि 2006 में राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए थे इस चीज को लिए गवर्नेंस के लिए। अतुल जी की अच्छा था, पहले ही था। डिंगरा साहब को एक समस्या जरूर है कि सरकार की यदि किसी का अच्छा किया उसकी तारीफ तो नहीं कर सकते। अगर मैं कहता हूँ पहले से था, अगर डिंगरा साहब ने भी किया तो ये बहुत अच्छा काम था, उस चीज को आप एक्सेप्ट करिए ना। लेकिन आपका काम है कि हर चीज में नुक्ताचीनी करना, विरोध के लिए विरोध करना। अपने टाइम के दौरान में क्या किया, बात तो ये हो रही है। आज लाइसेंस बनवाने के लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा ई गवर्नेंस के तहत कितने ऐसे काम हुए जिसके अंदर एक तो गुणवत्ता आती है काम की, कि काम बढ़िया तरीके से होता है, कोई मिस्टेक नहीं जब भी पता लगता है। उसके बाद भ्रष्टाचार पे तकरीबन भ्रष्टाचार पे अंकुश, जो काम ई गवर्नेंस या हमारे ऑनलाइन सिस्टम से हो रहे हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार पे अंकुश है काफी हद तक। लेकिन ये सारे काम जिस प्रकार से ये आज अगर बात है तो सुविधा की है, और इसके अलावा इसमें शायद कोई ऐसा विषय नहीं आया कि इस चीज से दिक्कत आती है। लेकिन दूसरा पोर्टल भी खुला है, सरकारी दफ्तर भी खुले हैं जहां ये समस्या आ रही थी कि वो लोग कहां जाएंगे जो इस चीज को ऑनलाइन काम करना नहीं जानते, ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए अभी भी कार्यालय वैसे खुले हैं। एक सुविधा है कि आप घर में बैठ के अपने फोन से अपना बिजली का बिल भर देते हैं, अपना टेलीफोन का बिल कर देते हैं। जनता से जनता के लिए अगर कोई व्यक्ति मिसिंग हो जाता है तो हम सोशल मीडिया तो यूज करते हैं पूरी, यदि सरकार भी उसी पैटर्न पे है, 10,000 शेयर एक बार में हो जाते हैं उसका हमें आसानी से पता लग जाता है। ठीक है, चलिए, पहले भी इस पर काम हुआ और अब की सरकार इसको फोकस करके काम कर रही है, लाभ जेजेपी की भी भूमिका होगी असल में, और बेहतर कर रहे हैं साहब। असल में दमदमा साहब क्या है ना कि डिंगरा साहब को जैसे ही आपने उनके दौर की योजना का जिक्र किया तो उनको लगा कि क्रेडिट आप ले जाएंगे, वो डर गए। ऐसा नहीं है डिंगरा साहब, जो आपके दौर का है उसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा, अच्छे वाले का भी और बुरे वाले का भी, डरने की जरूरत नहीं है, सब बेहतर है। जादौनसा राजेंद्र जादौनसा, मैं हरियाणा का फोकस कर लेता हूं। केंद्र की सरकार का अलग मसला, लेकिन जो मनोहर सरकार का पिछला 5 साल है, अगले 5 साल में ई गवर्नेंस बहुत बेहतर होगा उस पर हम फोकस है, मान लिया। लेकिन पिछले 5 साल में पहले भी फोकस थे ऐसा कहा जाता था, वाकई फोकस होने का नतीजा भी निकला है, ताकि हम उम्मीद करें कि हाँ अगले 5 साल में और बेहतरी हो जाएगी। देखिए, ये जब भारतीय जनता पार्टी का 2014 में एक तरह से सत्ता के लिए जो अभियान शुरू हुआ तो उन्होंने जोर शोर से कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है तकनीकी के जरिए, तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए, और प्रधानमंत्री पे ये मोहर लगाई गई, पूरे देश में लगी गई मान लीजिए कि वो बहुत बड़े टैक्स से भी हैं, यानी तकनीकी पर भरोसा करते हैं, सारा तकनीकी सिस्टम से वो इस तरह से काम करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी सारी व्यवस्था। लेकिन देखिए, कई उदाहरण ऐसे हैं कि GST में गड़बड़ करने के लिए सॉफ्टवेयर बदल लिया, कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है ना। मुख्यमंत्री पोर्टल पर हरियाणा में वो जो है समस्याओं के निवारण के लिए शिकायतें आमंत्रित की गई तो उसमें हेर फेर करके ये दिखा दिया गया, यमुनानगर की शिकायत थी कि वो शिकायत पहुंच गई और उसका हल भी हो गया, इस तरह का फर्जीवाड़ा भी हुआ। और अभी जो है, अभी भी जो CM पोर्टल पर शिकायतें आई हैं पिछले साल की और सरकार के पिछले कार्यकाल की, उन पर अभी भी अमल नहीं हुआ है, अभी भी वो समीक्षा बैठक में ये आई है कि इनको पूरा करना है। इसके अलावा ये सब व्यवस्था होते हुए भी रिश्वत में लोग पकड़े जाते रहे। हाल में करनाल की तहसील में मुख्यमंत्री ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क, ये वो सबको, कंप्यूटर वाले सबको सस्पेंड किया। तो आखिर में तकनीकी जो व्यवस्था है, सुशासन है तकनीकी के जरिए, वो एक देखने की बात है कि वो कितनी सफल हो पा रही है। लेकिन हम इसमें प्रशंसा भी कर सकते हैं कि सरकार का सोचना ठीक है, प्रयास ठीक है, उनको लग रहा है कि सारा कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए एक तरह से अंडर वॉच रहेगा तो सिस्टम ठीक रहेगा, लोग जो है उसमें हेर फेर गड़बड़ करने से डरेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर चेंज करने का जो सिस्टम चला है वो कई जगह ऐसा आ गया, और भी कई दूसरे सिस्टम में सरकार से बाहर भी ऐसा आ गया है कि सॉफ्टवेयर चेंज हो जाते तो सारा रिजल्ट ही बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को तकनीकी के इस्तेमाल के तरीके और उसकी मॉनिटरिंग के तरीकों पर भी विचार करना पड़ेगा। हम सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं कि सिस्टम में अभी भी लूपहोल है, छेद हैं, लीकेज है, इस लीकेज को बंद करने के लिए ये जो सुशासन दिवस आज है, सरकार को कुछ संकल्प लेना चाहिए
अब देखिए कि ऑनलाइन हर समय पोर्टल एफआईआर दर्ज करा दो। अभी गृह मंत्री की समीक्षा में ये आ गया कि 2 साल पहले जो एफआईआर दर्ज हुई उस पर अब तक काम नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई चार्जशीट पेश नहीं हुई। 13 जिले ऐसे हैं जहाँ 2000 से अधिक मुकदमे एक एसपी के अंडर में लंबित हैं। तो आखिर में सुशासन फिर कहाँ है, इसको लाइए। ठीक है राजेंद्र यादव साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए हम प्रशंसा तो कर सकते हैं लेकिन प्रश्न भी हमारे मन में है, उसके कई उदाहरण हैं। हालांकि आपने गृह मंत्री की समीक्षा की बात कही तो उन्होंने अपनी तरफ से सख्ती कर भी दी और सख्ती ऐसी की है कि कई ऐसे लोग जो कि बड़े पदों पर बैठे हैं जिन एसपीज का आप जिक्र कर रहे थे उनको भी नोटिस गया है और उनके कनेक्शन हाईफाई हैं, ऐसी भी चर्चाएं हैं। तो खलबली बहुत ऊपर तक पहुंची है। गृह मंत्री के रहते अब फिलहाल शिकायतों का निपटारा होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। अत्रे साहब बहुत जल्दी से जवाब देंगे इस बात का जिक्र जादव साहब ने किया, उसके बाद मैं आयुष के पास जाऊंगा। बहुत छोटा सा जवाब। देखिए जादव साहब ने 2-3 चीजों का जिक्र किया है कि इन्होंने सीएम विंडो की शिकायत के ऊपर एक यमुनानगर की घटना का जिक्र किया। जादव साहब को भी अपडेट करता हूँ कि सीएम विंडो के अंदर जो शिकायतें आती है उनका निवारण, उसकी जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को फुल प्रूफ बनाने के लिए समय समय पे उसमें परिवर्तन भी हुए, जिसमें स्थानीय स्तर में कमेटी के मेंबर को साथ लेना जरूरी है। जब को अगर कोई शिकायत है उसका निवारण हो रहा है या उस पर एक्शन हो रहा है उस पर उस मेंबर के हस्ताक्षर, तो मैकेनिज्म बदला गया। और ये कौन कोई प्रोसेस है ये तो आप ही जानते हैं। जब नासा की साइट हैक कर सकते हैं हैकर और उसके बाद नासा जो है उसको फुल प्रूफ बनाएगी, तो ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर कहीं किसी तरह की कोई कमी रहती है उसको दूर किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज जो मैं इस विषय में कहना चाहूंगा, देखिए यह हो क्या रहा है कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर 3rd स्थान पे आ जाता है जो 14th स्थान पे था, उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि किस तरह से ई गवर्नेंस के जरिए जो व्यापारी उद्योगपति हैं उनको एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं प्राप्त हो इसकी व्यवस्था की गई, तभी हरियाणा प्रदेश ने 14th नंबर से छलांग लगा के 3rd नंबर पे आया है। ये गवर्नेंस का बहुत बड़ा लाभ है। और जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था, लीकेज रोकी और भ्रष्टाचार रुका, प्रदेश की जनता का पैसा बचना शुरू हुआ, ये भी एक गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसके अंदर। और साथ साथ जैसे जो सरल केंद्र है, अंत्योदय केंद्र है, अब देखिए बड़ा सिंपल 37 विभागों की 491 सेवाएं ऐसी हैं जो इन सरल केंद्रों के जरिए लगभग 34 लाख नागरिकों ने जिनका लाभ उठाया है। वो लाभ उनको तभी प्राप्त हुआ है जब सरकार ने इस तरह की व्यवस्था बनाई। अभी बात सिंह जी ने एक जिक्र किया था कि फाइल के ट्रैकिंग सिस्टम, देखिए बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने फाइल थ्रू सिस्टम लॉन्च किया जिससे कि जिम्मेदारी निश्चित हो सके, फाइल किस जगह पे है, कितने टाइम के लिए है, इस चीज को ट्रैक किया जा सके जिससे कि किसी काम में ज्यादा वक्त ना लगे। और अगर कोई अधिकारी कर्मचारी तय सीमा से ज्यादा अगर समय लगा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके, ये सिस्टम अभी लॉन्च हुआ है। तो सरकार की पूरी कोशिश ये है। ठीक है, सरकार की कोशिश होनी भी चाहिए, सरकार कोशिश करने और उसका नतीजा निकालने के लिए होती है। कुछ उदाहरण हो सकते हैं उसका मैंने पहले ही कहा, और आयुष भी कह रहे थे कि लूप होल्स हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा अपने संबोधन में कि जो लोग लूप होल में आते हैं या उस पर नजर रखते हैं कि कब मौका मिल जाए, हमको उन पर नजर रखनी है। इसलिए अच्छा काम अच्छा ही होता है, उसमें कमियां हो सकती हैं, उसको दूर कैसे किया जाए इस पर चर्चा होनी चाहिए। आयुष सवाल यह है, आपने कहा 5 बेसिक चीजें इस पूरे सिस्टम को लेकर, यहां पर जिन चीजों का एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर विपक्ष जिक्र करता है कि पहले की योजना, इनकी ये योजना, उसका ये हाल, क्या वाकई 100% वो फेल है या उसमें कुछ परसेंट गड़बड़ियां थी, या उसके अलावा सिर्फ ये कहने को होता है कि हमने सीएम विंडो बना दिया, हमने ये वेबसाइट बना दी, हमने ये व्यवस्था कर दी। एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आप इन चीजों पर कैसे नजर रखते हैं और कितना बदलाव आप महसूस करते हैं इस मोदी सरकार में और हरियाणा में मनोहर सरकार में? उस शब्द होता है शायद, मुझे नहीं पता, टेक्नोक्रेट शायद बोलते हैं कुछ ऐसा। अतुल जी सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई उसके बाद से टेक्नोलॉजी पे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस टेक्नोलॉजी को दिया गया ताकि जो सरकार की सुविधाएं हैं वो आम जन तक ज्यादा पहुंच सके। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि तकनीकी का जो इस्तेमाल है वो ऐसे इंसान के हाथ में होना चाहिए जिसे उस चीज को इस्तेमाल करना अच्छे से आता हो, नहीं तो कहीं ऐसी वो कहावत चरितार्थ ना हो जाए कि बंदर के हाथों में उस्तुरा वाली कहावत। साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बाकी और भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जेजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, सभी के, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा।
अगर ऐसे ही बाकी पार्टियों के प्रवक्ता आकर के गवर्नमेंट को या किसी दूसरे सरकार को भी अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो शायद ई गवर्नेंस जमीनी स्तर पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर ई गवर्नेंस को सच में सक्सेसफुल करना है और सभी पार्टियां चाहती है कि यह ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो सके, करप्शन रुक सके, तो उन्हें भी जमीनी स्तर पर काम करना होगा। मैं बात करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता की यहां पे, तो वह अभी आपके सामने डेटा रख रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वह कितनी बार जमीन पर जाकर के जनता से ई गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, कितनी बार उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ई गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। जहां तक जेजेपी का सवाल है, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जिनको काफी ज्यादा वोट मिला युवाओं का इस बार हरियाणा प्रदेश में, तो जेजेपी बहुत अहम रोल भी प्ले करेगी, युवाओं का सबसे ज्यादा योगदान भी रहता है ई गवर्नेंस में, तो जेजेपी के नेतागण, जेजेपी के प्रवक्ता, जेजेपी के कार्यकर्ता कितना कितनी मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर जाके कार्य कर रहे हैं इसके लिए, इसी को ध्यान में रखते हैं तभी ई गवर्नेंस सक्सेसफुल हो पाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि लूप होल्स हर जगह होती है, लेकिन उसके लिए कार्य करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर जैसे बीजेपी के ढिंगरा साहब अभी जोर रहे थे बेरोजगारी को ई गवर्नेंस, कांग्रेस के बेरोजगारी को ई गवर्नेंस है, तो बेरोजगारी को ई गवर्नेंस से जोड़ना कतई मुनासिब नहीं होगा। नहीं नहीं, आयुष आपको पता नहीं, वो केवल ढिंगरा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी के। वैसे ढिंगरा साहब, और आपने कहा जमीनी नेता कितने हैं, जमीनी तौर पर ये कहां तक जाते हैं, तो अत्रे साहब बहुत जमीनी नेता हैं, दमनवास साहब भी जमीनी नेता हैं, बहरहाल वो आपके सवाल का जवाब देंगे। ढिंगरा साहब, एक प्रश्न आयुष ने आपके लिए उठाया, उसका भी जवाब दीजिएगा कि बेरोजगारी का ही गवर्नेंस से साहब क्या लेना देना, और एक उदाहरण मैं देता हूं, फिर आप अपना सवाल और जवाब दोनों रख सकते हैं, क्योंकि आप सवाल भी करते हैं। एक उदाहरण ये है जो आपने कहा कि भविष्य में हम देखेंगे, अभी से आपने अतुल जी जो, तो मेरा उदाहरण ये है कि जब चंद्रमा पर हमने कदम रखा, ये तो नहीं कहा क्या बोले, देश की पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे देश की सबसे मजबूत नेता के तौर पर उनकी पहचान है इंदिरा गांधी जी, उन्होंने राकेश शर्मा से सैटेलाइट के जरिए संवाद किया, उन्होंने पूछा कि कैसी दिखती है हमारी धरती, हमारी पृथ्वी। अब ये तो तभी संभव हुआ ना जब शर्मा साहब चंद्रमा पर पहुंच गए, पहुंचते ही नहीं वहां पर तो पूछती कैसे। तो आप ये कहें कि नहीं हम भविष्य में देखेंगे, अभी तो हम शंका करेंगे, अभी देखने के लिए शंका की जरूरत नहीं है, सुझाव की जरूरत है, वो तो हम कर सकते हैं ना। देखिए, सबसे पहले तो जो साइबर एक्सपर्ट है वो कह रहे थे कि इन्होंने ऐसे जवाब दिया बेरोजगारी पे, तो आपने एक ई गवर्नेंस भी रखा मुद्दा और एक सुशासन भी रखा, तो मैंने तो वो सुशासन की बात बता रहा हूँ कि सुशासन कैसे चल रहा है। अच्छा। और ई गवर्नेंस जो है वो ई गवर्नेंस की बात कर रहा था, लेकिन आपने कहा था कि 40 जो जिस तरह से MLA आए और इनकी सरकार बनी बीजेपी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके सिर्फ 40 MLA आए थे और 50 MLA इनके ऑपोजिट में आए थे, तो सरकार तो इन्होंने एक पार्टी को अपनी पीठ पे चढ़ा लिया, और मैं उसको ये बोलता हूँ कि ये जो है जो पार्टी इनकी पीठ पे बैठी है, फिर आप वो पार्टी के साथ ऑपोजिट में इनके बोल रही थी। मैं माफी चाहूंगा, अभी देखिए सुनिए, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं इसलिए रोक कर आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आप ही बोलिएगा। अभी अभी ताजा उदाहरण है आपका झारखंड का, अब वहां कौन किस पर लटक गया और कौन किसके ऊपर चढ़ गया, अब इसका उदाहरण कौन देगा, तो वो सब छोड़िए ना, वो सब बातें नहीं होती हैं, मुद्दे पर आ जाइए। मेरा टॉपिक है ई गवर्नेंस से सुशासन, बाकी तो कुशासन सुशासन चलता है, ई गवर्नेंस से सुशासन ये संकल्प है सरकार का, इस पर बताइए सुझाव क्या है। देखिए, बात यह है, इस में जो आप जिस तरफ बात कर रहे हैं उसमें करीबन 30 पेपर लीक घोटाले हुए पिछले 5 साल में, अब उसके भी क्या कैसे ठीक होगा, ये तो अभी जो है अब अत्रे जी बता देंगे हम इनको कैसे ठीक करेंगे। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे GST पोर्टल में घोटाला हुआ, एक्साइज टैक्स में घोटाला हो गया, CM पोर्टल की जो मामले थे उसमें घोटाला हुआ, भारत भूषण भारती थे हमारे एक HSS कमीशन के, उन्होंने जो भर्तियां करी थी उसमें घोटाला हो गया, मीटर खरीद हुई थी उसमें घोटाला हुआ, चावल खरीद में उसमें घोटाला हुआ, अभी जो इतने घोटाले इस सरकार में पिछले 5 साल के अंदर हुए, तो उसके अंदर सभी में ई गवर्नेंस के मामले थे, लेकिन ई गवर्नेंस होने से क्या वो घोटाले रुके, वो नहीं रुके और वो घोटाले चलते रहे। अब इस चीज को ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि घोटाला रोकना अगर ई गवर्नेंस के थ्रू रुकता है तो फिर इतने घोटाले 5 साल के अंदर क्यों हुए। आप माइनिंग्स का देखिए, 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन उसके अंदर जो है भाजपा के लोग और भाजपा के प्रवक्ता सभी लोग ये कहते रहे कि मुख्यमंत्री बड़े ईमानदार हैं,
5,000 करोड़ से भी ऊपर का घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने पर उसके माइनिंग के ऊपर बैन लगा रखा है और फिर भी घोटाले होते जा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से ई गवर्नेंस ले नहीं, नहीं, अब क्या होता है ना, केवल ढींगरा साहब, केवल ढींगरा साहब, देखिए केवल ढींगरा साहब, केवल ढींगरा साहब, देखिए सवाल ये है ना कि याद दिलाया था अत्रे साहब ने कि राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, तो ऐसा तो नहीं कि प्रयास करना बंद कर दें। कंप्यूटर लाने का किसको क्रेडिट जाता है, या फिर 1 रुपया भेजते थे तो कितना पहुंचता था, तो क्या भेजना बंद कर देंगे? मैं यही कह रहा हूं कि घोटाले अगर हो रहे हैं तो विपक्ष उसको उजागर करे, अगर सरकार नहीं सुन रही तो आप कोर्ट में जाइए, प्रमाण दीजिए। सिर्फ यहां बैठकर और सोशल मीडिया के जरिए जो आयुष कह रहे थे कि सारी पार्टियां, सिर्फ आपके लिए नहीं या उनके लिए नहीं, सारी पार्टियां मीडिया और सोशल मीडिया पर तो ई गवर्नेंस की बात करते हैं, खुद आप लोग जनता के बीच में जाकर कितना जागरूक उनको करते हैं, सड़क पर कितना आप जाते हैं, ये प्रश्न है ना। अब अच्छी योजना को तो अच्छी योजना कहना पड़ेगा ना ढींगरा साहब। अच्छा साहब, आप जवाब दीजिएगा, आपकी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन दमदमा साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मैं इस बात को मानता हूं। हाँ, नहीं मानना ही पड़ेगा, जो मानने वाली बात है मानना पड़ेगा ना सर, उसमें कैसे नहीं मानेंगे। बहरहाल बहुत जल्दी से दमदमा साहब छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, फिर अत्रे साहब आ रहा हूं, जादव साहब आपके पास भी आ रहा हूं। सवाल सिर्फ इतना है कि आपका सपना भी अच्छा है जो आप देख रहे हो और दिखा रहे, और अब आपको योगदान देना है ई गवर्नेंस में। आपकी पार्टी जो कि युवाओं की पार्टी के तौर पर पहचान में आई, उसमें और ज्यादा योगदान दे सकती है, तो इसको लेकर कितनी फोकस्ड है आपकी पार्टी और रोड मैप क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं कि माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने विधानसभा के अंदर पेपरलेस की बात की थी, वो टैब से बात की थी कि इससे तो पर्यावरण भी बचेगा और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और काम भी जल्दी होगा, ये सारा इस हिसाब से यदि काम किए जाए तो उनका विजन तो पहले दिन ही विधानसभा के अंदर पहले सत्र में ही ये क्लियर हो गया था कि दुष्यंत जी किस तरफ जाना चाहते हैं। और रही बात मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी, इन चीजों में दोनों का ई गवर्नेंस में विचार इतने ज्यादा मिलते हैं कि इसके ऊपर काम करने में किसी तरह की भी कहीं कठिनाई है ही नहीं, 1% भी। सबसे बड़ी बात अभी अत्रे साहब ने भी की थी कि सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे लोगों को तहसील के अंदर आती थी, आज तहसील के अंदर सारा कुछ ऑनलाइन है, आपकी रजिस्ट्री घर पहुंचने की व्यवस्था है वहां से तहसील में करके, नहीं भ्रष्टाचार तहसील के अंदर इतना ज्यादा था कि हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। थोड़ा सा ढींगरा साहब आप कहोगे कि फिर भी टॉपिक से हट कर जाते हैं कि आपने एक उदाहरण तो झारखंड का दे दिया, दूसरा महाराष्ट्र का भी उदाहरण इनके सामने है कि वो जनता की सरकार, जनता के लिए कांग्रेस का कथन है, और 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी याद करा दूं कि 40 की ही संख्या थी और किस प्रकार कुलदीप बिश्नोई जी को खत्म ही कर चले आए थे वहां से। तो ये चीजें इनका कल्चर है, इनके साथ है, ये किस प्रकार से करते हैं जोड़ तोड़ की राजनीति। हमारी पार्टी के जननायक जनता पार्टी ने शुरू से कांग्रेस पार्टी के विरोध की उसकी नीतियों के विरोध की और उससे साथ ना चलने की देवीलाल जी से, हमारी रही भाजपा से पहले भी गठबंधन रहा और अब भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर प्रदेश के अंदर सुशासन देने के लिए और ई गवर्नेंस बनाने के लिए वचनबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है, ठीक है, प्रत्येक कार्यकर्ता हम भी, मेरा फसल मेरा व्यवस्था। बिल्कुल सही बात आपने कही, बिल्कुल सही बात आपने कही, और मैंने झारखंड का उदाहरण जब दिया था ना तो ये कहकर दिया था कि ताजा उदाहरण है, वैसे तो महाराष्ट्र से लेकर तमाम तरह के उदाहरण है, ढींगरा साहब को इतना याद दिलाया, लेकिन आपकी पार्टी का योगदान इसमें रहेगा अच्छे तरीके से। वैसे एक चीज और आपने कहा कि हमारा बीजेपी से संपर्क पहले भी था या हम उनके साथ थे और अभी भी हैं, आज ही गौतम साहब ने गंभीर आरोप लगाए, वैसे आप मना लेंगे मुझे उम्मीद है। जादव साहब बहुत जल्दी से एक टिप्पणी आपसे, उसके बाद अत्रे साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने कुछ बातें उठाई और वही बात है कि लूप होल्स होते हैं, गड़बड़ी करने वाले तरीके ढूंढते हैं, कुछ उदाहरण आपने पिछली सरकार के दौर के दिए। सवाल यह नहीं है कि गड़बड़ी हो गई, सवाल यह है कि गड़बड़ी पकड़ी गई अगर तो एक्शन हुआ क्या, ताकि हम उम्मीद करें कि अब और तेजी से ई गवर्नेंस की सुविधा का लाभ आम जनता को मिलेगा। देखिए ई गवर्नेंस की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, कुछ और भी घोटाले हो गए जो ऑनलाइन पकड़े गए, इसके अलावा एक ओवरलोडिंग घोटाला हुआ जिसमें कुछ आईएएस के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है, एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला हो गया उसमें जो है स्टूडेंट है नहीं, वो जो है नॉशनल कोई फर्जी स्टूडेंट है, फर्जी आधार कार्ड है और किसी तरह से बैंक खाते बना के और किसी तरह से मिली भगत करके वो छात्रवृत्ति में है। अभी तक जो है कई जिलों में, कोई 4-5 जिलों में वो ट्रेस हुए हैं घोटाले, और करीब 40 करोड़ रुपए तक का घोटाले का अमाउंट पहुँच चुका है। और अभी जो है
इनेलो के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो 100 करोड़ तक पहुंच सकता है। अभी क्या है कि इसमें और सीबीआई से जांच करवाई जाए, ये भी मांग की जा रही। तो मेरा मतलब ये है कि ये सब जो घोटाले हो रहे हैं, आखिर में ये अंडर टेक्नोलॉजी सिस्टम क्यों नहीं आ रहे? क्या ये टेक्नोलॉजी से बाहर थे? इस पर जो है सरकार को देखने की जरूरत है। फिर उसमें एक अजीब तरह का उदाहरण जुड़ गया कि जिस अधिकारी ने इस घोटाले को एक्सपोज किया, संजीव वर्मा ने, उसको जो है जब अमाउंट की राशि 18 करोड़ के पास पहुंची तो उसको कहीं कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, तो उसने ये महसूस किया है कि उसको प्रताड़ित कर दिया गया, जिस तरह की अशोक खेमका महसूस करते रहते हैं कि उनको लगा दिया गया ऐसे विभाग में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और जहाँ अपनी क्षमता और प्रतिभा को दिखाने का, प्रदर्शित करने का कोई मौका नहीं। तो इस तरह की बातें आ रही हैं, तो सरकार को इन सब सिस्टम में, मैं समझता हूँ ओवरलोडेड ट्रक जा रहे हैं तो आप नाके बना दीजिए, वो सारा टेक्नोलॉजी से रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो प्रॉपर जो है जितना निर्धारित और अनुमति प्राप्त लोड है उतना ही लेके जा रहा है या ज्यादा लेके जा रहा है। ये आखिर में ये सिस्टम आरटीएज में जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हैं उनमें भ्रष्टाचार पाया गया, फिर सरकार ने कार्रवाई तो की, सरकार ने अतिरिक्त उपायुक्तों को चार्ज दे दिया, वो जिस तरह से ट्रांसपोर्ट के अधिकारी थे उनको हटाया गया। तो बहुत सारी जगह ये सरकार जो है भ्रष्टाचार से जूझती नजर आ रही है और भ्रष्टाचार करने वाले भी कहीं बाज नहीं आ रहे। चलिए, सरकार भी जूझ रही है लेकिन बाज नहीं आ पा रहे हैं भ्रष्टाचार करने वाले, और बात का एहसास सरकार को और मुखिया को है, ये कम से कम संतोषजनक है। अत्रे साहब, आप ही के पास आ रहा हूं, जवाब दीजिए जो प्रश्न जादौन साहब का है, बाकी अन्य पैनलिस्ट का है कि एक्शन, अगर आपको पता है कि गड़बड़ी होगी और हर हाल में होगी तो एक्शन करना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए अटूट, पहली चीज तो स्कॉलरशिप घोटाले से शुरू करते हैं। देखिए, ये छात्रवृत्ति घोटाला है, ये किस तरह से हो रहा था, फेक स्टूडेंट, फेक अकाउंट, पैसा ट्रांसफर हो रहा था, और ये पकड़ कैसे आया, ये भी मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा सभी अकाउंट्स को आधार से लिंक करने की जब बात शुरू की, जैसे आधार से लिंक हुआ तो घोटाला सामने आना शुरू हुआ। तो ये भी सरकार की कोशिशों का नतीजा, स्टेट विजिलेंस इसकी जांच कर रही है, सरकार ने इस घोटाले को पकड़ा है क्योंकि सरकार का भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कहते रहे हैं। दूसरी बात, जैसे अभी ढींगरा जी एक बात कह रहे थे, साफ पेपर लीक हो गए, उदाहरण देता हूं, देखिए क्लेरिकल पेपर, व्हाट्सएप पे एक पेपर चलना शुरू हुआ, विपक्षियों ने चिल्ला चिल्ली शुरू की कि साहब पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने यह बात कही कि जो सोशल मीडिया पे पेपर चल रहा है वो असली पेपर नहीं है। दूसरा, नायब तहसीलदार का पेपर, उसमें भी कोर्ट को यह कहना पड़ा कि साहब किसी तरह का कोई लीकेज, कोई घोटाला नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए जिस वक्त ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सरकार लेके आई, आप ही जानते हैं, तो सभी मित्र यहां पे जानते हैं कि तबादला एक उद्योग था हरियाणा प्रदेश में, और मैं ये बात इसलिए व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि मेरी फैमिली में एक दो लोग टीचर हैं और दूसरा शिक्षा विभाग का दफ्तर मेरे घर के सामने है। बाकायदा अध्यापक अपनी ट्रांसफर के लिए 1 महीना 2 महीने की सैलरी देते थे, इस तरह का उद्योग था ये। इस उद्योग को बंद किया है सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लेके आके, जिस वजह से ये उद्योग बंद हुआ। एक और एग्जाम्पल है, राशन डिपो बायोमेट्रिक किया, जिसका लाभ क्या हुआ, देखिए पहले व्यवस्था ये थी कि जहां से मेरा, मेरे एरिया के राशन डिपो से ही मैं राशन ले सकता हूं, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि कहीं से भी हरियाणा में आप अपना राशन ले सकते हैं। उसका सीधा लाभ उन लोगों को बहुत ज्यादा हुआ जो दिहाड़ीदार मजदूर, जो अपने गाँव से दूर दिहाड़ी करने जाते हैं, जो शाम को वापिस आते हुए घर के लिए राशन लेते हैं, तो वो कहीं से भी ले सकते हैं। और उस व्यवस्था का नतीजा ये भी हुआ कि बहुत से ऐसे बेनिफिट, ऐसी जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बेनिफिशरी जो फेक थे, जिनका, जिनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए थे, उन फेक बेनिफिशरी, जैसे अब पेंशन के अंदर 3.5 लाख ऐसे लोग जिनको पेंशन मिल रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, जिनको, जो पेंशन के बेनिफिशरी ही नहीं होने चाहिए, उसका पैसा खाया जा रहा था, ये भी सरकार ने खत्म किया। तो ई गवर्नेंस के ऊपर सरकार का फोकस सीधा सीधा भ्रष्टाचार को खत्म करना, और जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, अंत्योदय की जो फिलॉसफी है, अंत्योदय की जो विचार है, उस विचार को सुचारू रूप से लागू करना, ये सरकार की प्राथमिकता है, और लगातार सरकार अपनी प्राथमिकता पे काम कर रही है। अब आयुष जी, आपके सवाल का जवाब, आयुष जी आपने एक बात का जिक्र किया था कि धरातल पे क्या आपने देखा, आयुष जी इन सभी योजनाओं को धरातल पे देखते हुए उनका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है ये देखते हुए तब यहाँ बैठ के चर्चा कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप जमीनी नेता हैं और तो इस वजह से आपके पास जानकारी भी होती है, आप जाते हैं। वैसे विपक्ष चिल्ला चिल्ली नहीं करता है अत्रे साहब,
वो आवाज बुलंद करता है। हमारे संविधान में आवाज बुलंद करने का अधिकार दिया गया है ना, व्यक्ति की आजादी और आवाज बुलंद करना। चिल्ला चिल्ली मत करिए, ठीक चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आऊंगा आयुष, मेरे पास समय नहीं है सर, ठीक है। आयुष बहुत जल्दी से आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, और छोटा सा फाइनल कमेंट कि जो अच्छा है उसको हम अच्छा कहें, और आज के दौर में और अगली पीढ़ी के लिए इसकी जरूरत है। कुछ सुधार हुए हैं, कुछ गड़बड़ियां भी हुई हैं, कई जगहों पर गड़बड़ियां और आगे भी होंगी। तो साइबर एक्सपर्ट के तौर पर क्या हमारा सिस्टम भी उतना मजबूत है, आपको महसूस होता है कि हाँ उस पर हम मॉनिटरिंग भी उतनी कर रहे हैं? अतुल जी, इस पे मजबूती के साथ काम करना बहुत जरूरी है। हाँ, अभी उतनी मजबूती के साथ काम नहीं हो रही। मैं छोटी सी एक बात और कहता हूँ, ई गवर्नेंस के जरिए सरकार एक ट्रस्ट बनाना चाहती है जनता के साथ में, और साथ ही साथ ई गवर्नेंस के जरिए कॉस्ट भी कम होता है सरकार का। मैं अब ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, इतनी योजनाएं बीजेपी के प्रवक्ता साहब गिना रहे थे अभी। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर इतनी चीजें ई गवर्नेंस के जरिए हुई तो फिर कहीं ना कहीं सरकार को ट्रस्ट मिलना चाहिए था पिछले चुनाव तक में जनता का, लेकिन वह ट्रस्ट नहीं मिल पाया। पिछले 47 सीटों से 40 सीटों पे आ गई बीजेपी। लेकिन मैं इन चीजों को नहीं अभी लाना चाहता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं। मैं एकदम उस डेटा पे भी आपसे बात कर लूंगा प्रवीण जी, ठीक है, ठीक है। आयुष जल्दी से, मैं उस डेटा पे भी बात कर लूंगा प्रवीण जी। मैं कह रहा हूं कि उन चीजों पर ध्यान ना देते हुए ई गवर्नेंस को अगर अभी मजबूती के साथ आने वाले 5 साल भी अगर सरकार काम करती है तो कहीं ना कहीं अंतिम व्यक्ति को इसका फायदा जरूर नजर आएगा। हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका इस्तेमाल बहुत सही तरीके से होना चाहिए, सही हाथों में होना चाहिए। मंशा तो सही होती है सरकारों की, उसमें कोई शक नहीं है। ढींगरा साहब, एक मिनट से भी कम समय में फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। भविष्य में तो देखेंगे, ये वो तो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अब टाइम मशीन तो है नहीं कि चले जाएं भविष्य में और देख लें कि क्या हुआ उसका परिणाम। तो अभी फिलहाल मंशा ठीक है, योजना भी ठीक है, सुशासन की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए अतुल जी, अगर मंशा ठीक होती, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के ऊपर जो 60,000 करोड़ का कर्जा जो जब हमारी सरकार गई थी और वो 1,70,000 करोड़ हो गया, तो 1,10,000 करोड़ जो कर्जा बढ़ गया और इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं, सिस्टम कोई आया नहीं, काम कोई हुआ नहीं, और घोटाले पे घोटाले होते रहे, और ई गवर्नेंस को हम लेते रहे और ई गवर्नेंस को ही मानते रहे, और ई गवर्नेंस के थ्रू हमारा प्रदेश जो है वो लुटता रहे, और ई गवर्नेंस की हम बात अच्छी अच्छी करते रहे कि ई गवर्नेंस होगा तो ये सारे घोटाले रुक जाएंगे, लेकिन रुका कुछ भी नहीं। तो ये ई गवर्नेंस अच्छी है, वो बात ठीक है, लोगों को सुविधा मिलती है, वो बात अच्छी है, लेकिन ई गवर्नेंस के साथ साथ प्रदेश तो लुट गया, 1,70,000 करोड़ का कर्जा हो गया और काम कुछ हुआ नहीं, 3 बार हरियाणा जल गया, कितने लोग मर गए, कितना सिस्टम खराब हो गया, अर्थव्यवस्था डाउन होगी, कर्मचारी दुखी है, किसान दुखी है, बिजनेसमैन दुखी है, जवान दुखी है, नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, सब दुखी है। तो क्या करें, ई गवर्नेंस बंद कर दें, जीएसटी 3% और बढ़ाएंगे, कैसे चलेगा प्रदेश? 3% और जीएसटी बढ़ाने का मोदी जी ने फरमान स्टेटों के ऊपर लाद दिया, तो देखेंगे अभी क्या होता है। इस बार देखने की बात आएगी कि अब देखेंगे तो चल नहीं पा रहा, देखेंगे तो भीरा साहब, देखेंगे तो हम झारखंड में भी, देखेंगे तो हम देख ही रहे हैं मध्य प्रदेश राजस्थान में भी, वहां सबको रोजगार मिल गया है, भुखमरी खत्म हो गई है, झारखंड में आप देखेंगे जो पहले चल रहा था उससे अच्छा होगा, देख लिए हैं यहां, जहां पे हमारी सरकार आई है वहां पे अच्छा देखने को मिल रहा है, दमदमा साहब माफ हो रहे हैं, हां सुन लिया, हो गया, संतुष्ट हो गया मैं आपके जवाब। किसानों के लोन माफ हो रहे हैं जहां जहां हमारी सरकार बनी है, एक दिन एक घंटे बैठिएगा मेरे साथ, मैं बताऊंगा कितने किसानों के लोन माफ हुए और कितने माफ हुए हैं, कितनी कर्जा माफी हुई है, एक दिन एक घंटे बैठिएगा, मैं पूरी डिटेल दूंगा आपको। दमदमा साहब छोटा सा जवाब दीजिए, बहुत छोटा सा, समय बिल्कुल नहीं है। ढींगरा साहब कोई अच्छा काम करेंगे कांग्रेस पार्टी तो हम उनका स्वागत भी करेंगे, इसमें कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, पर करें तो सही। लेकिन मैं बताता हूँ कि इससे जो हमारी ई गवर्नर से हमारे टूरिज्म है, एजुकेशन है, कंप्लेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, और इतने काम इसके अंदर आते हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज के लिए करने की जरूरी है, जिस बारे हमने कहा भी है सरकार को कि जो भी योजना जो भी कार्य हो उसको अपडेट अच्छी तरह हो। और अतुल जी आपको इस बारे पता है कि अपडेशन के कारण इसमें एक ये भी आता है कि मतदाता सूची में नाम, इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड, ऑनलाइन पासपोर्ट, मनरेगा, आधार, लेकिन ये जो मतदाता के वाली बात थी कि मैं खुद ऑनलाइन के भरोसे रह गया था एक बार चेक करके, ऑनलाइन मेरी
जो हमारे एसडीएम साहब हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, उनके सामने भी मेरी वोट ऑनलाइन दिख रही थी। तो हमें अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है तो इसको अपडेट करने में आती है कि ठीक है, मॉनिटरिंग होनी चाहिए और अपडेट करना भी चाहिए, उसके लिए आपको जागरूकता भी फैलानी होगी और उस पर भी सरकार ने इस बार योजना तैयार की है। प्रवीण अत्रे साहब, बिल्कुल एक मिनट से भी कम समय में आपको दे रहा हूँ, आप अपना फाइनल कमेंट करिए और उसी में मैं सवाल जोड़ देता हूँ। लोकायुक्त पोर्टल भी आज लॉन्च किया गया है, लेकिन कहा जाता है कि शिकायतें कहीं सुनी नहीं जाती हैं। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, पोर्टल पे जब शिकायत आएगी तो जिम्मेवारी सुनिश्चित होती है, और जब किसी की भी जिम्मेवारी सुनिश्चित हो जाती है तो उसको जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी या उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये बड़ा सीधा है, पारदर्शी है। लेकिन अभी जैसे कर्ज का जिक्र ढींगरा साहब कर रहे थे, पहली चीज तो गलत आंकड़े, 82,000 करोड़ रुपए कर्ज था जब कांग्रेस की सरकार थी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 23,000 अतुल जी आप भी चेक कीजिएगा कितने थे, सरकार आई थी, आप भी चेक कीजिएगा कितने थे। ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ जो बात, जिस समय हमारी सरकार गई 60,000 था और जिस समय अगला पेश किया था 70,000 था, 70,000 था उस समय जब अगली सरकार ने इन्होंने बजट पेश किया था। ढींगरा साहब बोलने दीजिए, मैं चेक नहीं करता, 80,000 नहीं था, ये गलत बोल रहे हैं। मैं चेक करके ही बैठता हूँ, इसीलिए मुझे मध्य प्रदेश में कितने किसानों का कर्जा, आप चेक कीजिएगा, जिस समय इन्होंने अगला बजट पेश किया था उस समय 70,000 था, जब हमारी सरकार गई थी उस समय 60,000 था। बोलने दीजिए, फाइनल कमेंट है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, 82,000 करोड़ रुपए 23,000 से लेके आए, 82,000 रुपए, 35,000 करोड़ रुपया बिजली कंपनियों पे कर्जा चढ़ा दिया अलग से। हमारी सरकार ने बिजली कंपनियों का कर्जा खत्म करने के लिए, एक तो सरकार ने वो कर्जा खुद ऑन किया जो 1,42,000 करोड़ रुपए कर्जे का जिक्र होता है। अब देखिए डिफरेंस कितना आता है, 60,000, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपया कर्जा बिजली कंपनियों का, तो टोटल कर्जा कितना, 25,000, 5 साल में। ठीक है, नहीं नहीं, मैं कर्जे पर चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ सर, कर्जे पर तो बहुत चर्चा हो चुकी है और होती रहेगी। फिलहाल ही गवर्नेंस और सुशासन पर चर्चा थी, अब देखना होगा कि उसमें आप कितने आगे बढ़ पाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अत्रे साहब आपका, ढींगरा साहब आपका, दमदमा साहब आपका, राजेंद्र जादौन साहब आपका और आयुष आपका भी। तो मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए, तमाम अन्य जो प्लेटफॉर्म होते हैं यानी ई गवर्नेंस के तरीके जो होते हैं उनको और मजबूत करना है, ताकि लूप होल अगर हो तो उस पर नजर रखी जा सके, उसके बावजूद कोई गड़बड़ी करे तो उस पर एक्शन भी हो सके, और सबसे प्यारा जो मकसद होता है सरकारों का कि जनता को उसका लाभ मिले, जनता को आसानी हो, ये मकसद पूरा हो इसकी उम्मीद करें। नमस्कार।